हम बात कर रहे हैं धरमजयगढ़ विकास खंड के नरकालो गांव की, जहां के भोले भाले ग्रामीण पूर्वजों के जमाने से रोजाना अपनी जान दांव पर लगाते रहे हैं। बूढ़े जवान बच्चे ही नहीं, छात्र छात्राएं सभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए नरकालो नदी को नाव से पार कर नजर आते हैं और फिर शाम को वापस उसी नाव से अपने गाँव जाते हैं। इस आने जाने में रोजाना उनकी जिंदगी दांव पर रहती है। ऐसी बात नहीं कि गांववासी इस भयभाव समस्या से निजात पाने शासन प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से निवेदन नहीं किए हैं। एक अदद पुल के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गुहार के बदले उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, नदी में पुल नहीं। यहां यह कहना शायद अतिशयोक्ति न होगी कि मजबूर ग्रामीण नेताओं के आश्वासन के बीच रोज अपनी जिंदगी दांव में लगाकर गुजर बसर करने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कब नदी उस पार बसने वाले नरकालो फतेहपुर सहित कई वालों को मौत नुमा गांव व नदी से राहत मिल पाएगा। आपको बता दें, भाजपा शासन में ग्रामीणों को 15 साल का आश्वासन मिला, वहीं अब कांग्रेस सरकार से भी फिलहाल आश्वासन ही मिल रहा है। पुल बनना था, पुल की जरूरत है यहां पे। यहां आना जाना करने के लिए बहुत समस्या पड़ता है, बहुत खतरा रहता है, लेकिन क्या करें, अब समस्या पड़ रहता है। इधर आदमी गाँव नरकालो सीधा जाना पड़ेगा, धरमजयगढ़ कुछ भी काम के लिए धरमजयगढ़ जाना पड़ेगा, तो इसी से जाना पड़ता है। हाँ, रोजगार के लिए जाते हैं, 100-150 आदमी ऐसी रोजगार के लिए चले जाते हैं गांव से, और फिर शाम को वापस आते हैं। हाँ, शाम को वापस आते हैं। फिर क्या मांग है आपकी? रायगढ़ ब्लॉक धर्मजयगढ़ से नीरज विश्वास की रिपोर्ट।